जीएसटी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन क्या आपको पता है कि जीएसटी पहले कितने देश में लागू है और यह उन देशों में कितना सफल रहा? जीएसटी दो प्रकार के होते हैं, सिंगल जीएसटी और ड्यूअल जीएसटी। सिंगल जीएसटी में एकल कर प्रणाली होती है और फ्रांस विश्व में पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 1954 में सिंगल जीएसटी मॉडल को अपनाया था, क्योंकि उस दौर में वहां अधिक बिक्री कर, तस्करी और धोखाधड़ी में वृद्धि हो रही थी। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए फ्रांस ने जीएसटी मॉडल लागू किया था। वर्तमान समय में फ्रांस की जीएसटी दर 19.6% है। जीएसटी लागू होने से पूर्व फ्रांस की जीडीपी 2,47,233 थी, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद वर्तमान में जीडीपी 2,420.440 बिलियन डॉलर की हो गई है। सिंगापुर ने 1994 में जीएसटी मॉडल को अपनाया और इसका उद्देश्य था कि दीर्घकालिक विकास व कर ढांचे में सुधार लाना। वर्तमान में सिंगापुर की जीएसटी दर 7% है। जीएसटी लागू होने से पहले सिंगापुर की जीडीपी केवल 71.73 बिलियन डॉलर थी। जीएसटी मॉडल अपनाने के बाद इसकी जीडीपी 291.860 बिलियन डॉलर की हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने सन 2000 में जीएसटी को लागू किया और इसका मकसद संघीय थोक बिक्री कर प्रणाली, बैंकिंग कर और स्टाम्प ड्यूटी को हटाने के लिए डिजाइन किया गया। वर्तमान में इसकी जीएसटी दर 10% है और जीडीपी 1,359.723 बिलियन डॉलर है, जबकि जीएसटी लागू होने से पूर्व इसकी जीडीपी 415 बिलियन डॉलर की थी। इसी तरह इन देशों को मिलाकर लगभग 160 से ज्यादा देशों में एकल कर प्रणाली लागू है। अब बात करते हैं ड्यूअल जीएसटी की, जो एकल कर प्रणाली ना होकर केंद्र और राज्य सरकार में विभाजित होती है। अब तक विश्व में दो देश, ब्राजील और कनाडा में ही ड्यूअल जीएसटी लागू है। कनाडा की वर्तमान जीडीपी 1,600.265 बिलियन डॉलर की हो गई है, परंतु जीएसटी लागू होने से पहले कनाडा की जीडीपी 593.9 बिलियन डॉलर की थी। जीएसटी लागू होने से कनाडा की जीडीपी में 1,006.365 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। वर्तमान में इसकी जीएसटी दर 5% है और कनाडा ने 1991 में जीएसटी लागू किया था। इसी तरह ब्राजील के लिए भी ड्यूअल जीएसटी बेहद फायदेमंद रहा। ब्राजील में जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में तकरीबन 2,117.92 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई। इन देशों के बाद भारत विश्व में ऐसा तीसरा देश है जो 1 जुलाई 2017 से ड्यूअल जीएसटी अपनाने जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ड्यूअल जीएसटी लागू होने के बाद भारत की कर प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। कई वस्तुओं के प्रभावी कर की दर में कमी के साथ साथ केंद्र और राज्य स्तर पर करों की संख्या में कमी आएगी। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार भारत में जीएसटी लागू होने से जीडीपी ग्रोथ में 0.90% से लेकर 1.70% की बढ़ोतरी होगी। लेकिन अब देखना यह है कि भारत के लिए ड्यूअल जीएसटी कितना फायदेमंद साबित होता है। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी विषय पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट छोड़िए।